नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल J3 व्लॉग पे। हम बनाने वाले हैं आज समर स्पेशल चॉकलेट लस्सी, जो बनाएंगे बिना किसी चॉकलेट कंपाउंड, बिना कोको पाउडर के, सिर्फ डेयरी मिल्क की चॉकलेट से, बहुत ही सिंपल वे में। चॉकलेट लस्सी हम इसलिए बना रहे हैं क्योंकि बच्चों को ना कभी कभी जो हम ट्रेडिशनली लस्सी बनाते हैं सिंपल सी, वो उन्हें पसंद नहीं आती है। तो अगर आप बच्चों को लस्सी पिलाना चाहते हैं तो बस इस ट्विस्ट के साथ, चॉकलेट फ्लेवर के साथ, बच्चों की ये फेवरेट बन जाएगी क्योंकि बच्चों को चॉकलेट वैसे ही बहुत पसंद आती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, पर उससे पहले अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और आप बगल की घंटी को भी हमारे आने वाले नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन के लिए ज़रूर दबाएँ। अगर ये वीडियो फेसबुक पेज पे देख रहे हैं, लाइक फॉलो शेयर ज़रूर करें। इंस्टाग्राम को भी हमारे जरूर फॉलो करें न्यू अपडेट्स और नई पिक्स के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ हमने 250 ग्राम दही ली है, 2 डेयरी मिल्क की चॉकलेट, आप किसी भी ब्रांड की ले सकते हैं, चीनी, और यहाँ हमने लिया है 1 कप दूध, गर्म दूध है यह। अब चॉकलेट को हमने रूम टेम्परेचर पर रखा हुआ है, छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है, इसे तोड़ लिया है। अब इस गरम दूध को जो है मेल्ट करना है चॉकलेट के साथ। बहुत ही सिंपल तरीका है चॉकलेट को मेल्ट करने का, आप माइक्रोवेव भी कर सकते हैं, डबल बॉयलर से ज़्यादा इजी ये वे है। तो हम इसमें थोड़ा थोड़ा दूध ऐड करेंगे, आप चाहे तो चॉकलेट को भी दूध में ऐड कर सकते हैं, पर हम इसमें थोड़ा ही हमें चाहिए तो हम हिसाब से इसमें डाल लेते हैं। तो हमने देखिए यहाँ पर 6-7 चम्मच दूध डाला है अभी फ़िलहाल, इसे थोड़ा सा हम मिक्स करते हैं, ज़रूरत पड़ेगी तो फिर थोड़ा डाल लेंगे। तो देखिए इस तरह हम चला के इसे अच्छे से मेल्ट कर लेते हैं। अभी देखिए इसमें थोड़े थोड़े लम्ब्स बचे हैं, तो हम इसमें थोड़ा सा और गर्म दूध ऐड करेंगे, बहुत ज़रा सा। अब देखिए ये बिल्कुल फिर से मेल्ट कर लिया है अच्छा से, ये देखिए इस तरह की कंसिस्टेंसी होनी चाहिए इसकी। एक मिक्सर ग्राइंडर में हम मेल्टेड चॉकलेट और जो है चीनी, स्वाद अनुसार हम इसमें चीनी डाल देते हैं, एक मिक्सर को चला देंगे थोड़ी देर के लिए ताकि अच्छे से ये चीज़ें ब्लेंड हो जाएं और चीनी अच्छे से ऐसे घुल जाएगी फिर ये दही में। तो अब हम इसको एक बार चंक कर देते हैं ताकि ये मिक्स हो जाए अच्छे से। अब जो है हम इसमें दही डाल देते हैं, दही में थोड़ा हम ऐड करेंगे पानी क्योंकि हमें बहुत थिक नहीं बनाना, चॉकलेट लस्सी बहुत थिक नहीं होती है, तो उसको थोड़ा सा पानी, हमने 1 कप पानी डाल के अब इसको अच्छे से चंक कर लेना है। अब लस्सी रेडी हो गई है, अब हम इसको देख लेते हैं। ये देखिए बिल्कुल अच्छे से ब्लेंड हो गई है, कलर बहुत अच्छा आ गया है, कंसिस्टेंसी भी एकदम परफेक्ट है। अब हम इसे चलिए असेंबल कर लेते हैं। तो यहाँ हमने लिए हैं 2 ग्लासेस। अब ग्लासेस में हमें क्या करना है, चॉकलेट सिरप से इस तरह से कोट कर देना है, यानी सिरप गिराते रहना है, ग्लास को घुमाते रहना है, इससे लुक और अच्छा आएगा, बहुत अच्छा लगेगा। अगर आपके पास है तो आप करें, वरना ये कोई इंपॉर्टेंट स्टेप नहीं है, स्किप कर दें। दूसरे ग्लास को भी हम सेम उसी तरह से डेकोरेट कर लेते हैं। अब इसके बाद हम इसमें डालेंगे ठंडा ठंडा आइस, तो हम इसमें 2-3 आइस डाल देते हैं दोनों ग्लासेस में। अब हमारा लस्सी का मिक्सचर हम इसमें पोर करते हैं। अब थोड़ा सा ऊपर से भी डेकोरेट कर देते हैं, मैंने कुछ चॉकलेट रखी थी उसमें शेविंग कर ली है, यानी जो हम आलू छिलते हैं उससे मैंने छिल लिया है इसको, इस तरह से इसका शेविंग निकल गया है, ऊपर से इसको थोड़ा सा हम गार्निश कर देते हैं। आप चाहे तो चॉकलेट पीस भी लगा सकते हैं या फिर ऐसे ही दे सकते हैं, थोड़ा सा चॉकलेट पीस लगा दिया है ऊपर से, आप चाहे तो थोड़ा सा चॉकलेट सॉस भी आप डाल सकते हैं, आप किसी भी तरह से डेकोरेट कर सकते हैं या चॉकलेट सॉस के बिना भी कर सकते हैं। तो दोनों पे हमने ऐसे लगा दिया है। अब देखिए ये हमारा फाइनल टच एकदम कंप्लीट हो गया है, ये बिल्कुल रेडी है लस्सी। और इस रेसिपी को आप बिल्कुल ट्राई करें और इस समर में तो ज़रूर ट्राई करें, आपके बच्चे आप बहुत पसंद करेंगे इस चॉकलेट लस्सी को। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करें, नेक्स्ट वीडियो और भी मज़ेदार होगी और जल्दी लेकर आएंगे आपके साथ। तब तक के लिए बाय।